Okay, next question is number 12th. Question is the area between the parabola. Parabola is given by x square bravo y by 4. Yani ki x square 4x square equals to y and x square equals to 9y. And straight line is y equals to 2. ओके द एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, इनसे बाउंडेड जो एरिया है वो एरिया अपने को कैलकुलेट करना है. ओके सबसे पहले ग्राफ बना देते हैं. ये है एक्स एक्स, ये हो जाएगा वाई एक्स. ओके एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर यानी कि वाई बराबर फोर एक्स स्क्वायर, जो हमने ये फर्स्ट वाला पैराबोला है. सेकेंड वाले पैराबोला की बात करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा. ये एक्सल में ऐसे बनेगा ये वाला और वो ऐसे बनेगा. ठीक, ये आ जाएगा 1/9 इंटू एक्स स्क्वायर. एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है वाई इक्वल्स टू 2. इनसे जो बाउंडेड एरिया ये वाला एरिया, ये अपने को कैलकुलेट करना है. ये है 0, 0. ओके जो एरिया है ये दोनों सिमिलर है, एक एरिया कैलकुलेट कर देंगे उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास टोटल एरिया आ जाएगा. ओके तो रिक्वायर्ड जो एरिया है वो हो जाएगा 2 टाइम्स 0, 2. ये पॉइंट अगर कैलकुलेट करें तो स्ट्रेट लाइन, अगर वाई एरिया कैलकुलेट करना यहाँ पे वाई में आसान रहेगा क्योंकि ये जो लाइन, ये पॉइंट अपने को पता है, ये पॉइंट भी पता है. तो 0 से 2 ओके 3 इंटू, ये इसकी बात करेंगे तो 3 इंटू 1/ यानी कि 3 एक्स की कितनी आ जाएगी, एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा. तो एक्स की बात करेंगे तो 9 इंटू अंडर रूट 3 डी वाई माइनस एरिया 0 से 2 ये वाला. तो ये है 1 y की बात करेंगे तो y बाई 4 का अंडर रूट इंटू डी वाई. ओके यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो आएगा 0 से 2 3 अंडर रूट वाई माइनस वाई अंडर रूट वाई बाई 2 इंटू डी वाई. इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में ये आ जाएगा 2 इंटू 10 अंडर रूट 2 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स. ओके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अंडर रूट 2 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये अपने पास फाइनल एरिया आ जाएगा. ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी है वो अपने पास करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन 20 रूट 2, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट.